दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोग कर रहे हैं मैक्रो का हमारा चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। देखो, इस चैप्टर के दो पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिनका लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। पार्ट वन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, की गवर्नमेंट बजट होता क्या है, इससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें जहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं। साथ में हम लोगों ने डिस्कस करा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन कल की क्लास में हम लोगों ने करा था हमारा सेकेंड पार्ट, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट, पूरे कॉम्पोनेंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे एकदम डिटेल के अंदर, कि बजट रिसीट्स क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनके भी सब पार्ट्स, अलग अलग डिफरेंसेस। तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके। अब आज हम लोग करेंगे हमारा थर्ड पार्ट, और आज हम लोग इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर देंगे। देन कल एक वीडियो और आएगी, कल आएगी या फिर मोस्ट प्रोबेबली मैं आज ही अपलोड कर दूंगी, जिसके अंदर हम लोग गवर्नमेंट बजट के सारे न्यूमेरिकल करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो थ्योरी वाला पार्ट हमारा पूरा आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि बजट डेफिसिट क्या होता है। देखो, बजट डेफिसिट समझने के लिए पहले एक चीज ध्यान से समझना, हमारे पास में दो तरह के बजट्स होते हैं, साथ साथ में लिखते जाओ, हमारे पास में दो तरह के बजट्स होते हैं। लिखो, टाइप्स ऑफ बजट, दो तरह के बजट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास में बैलेंस्ड बजट, अभी सब समझाऊंगी, बैलेंस्ड बजट, और दूसरा हमारे पास में होता है अनबैलेंस्ड बजट। देखो, बैलेंस्ड बजट का क्या मतलब है, जब भी मैं कहती हूं बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हैं, सरकार के पास में 100 रुपए आ रहे हैं और सरकार 100 रुपए ही खर्च करेगी, जब बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होते हैं, इस सिचुएशन में बजट को बोला जाता है बजट कैसा है, बैलेंस्ड बजट है। समझ में आ गया कैसा बजट है, बैलेंस्ड बजट है। एक होता है अनबैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट का मतलब है कि बजट की रिसीट और बजट के एक्सपेंडिचर्स दोनों इक्वल नहीं है, या तो रिसीट्स एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। मैं कह रही हूं 100 रुपए आ रहे हैं, वही एक्सपेंडिचर है मान लो 150 का, पैसा आ कम रहा है जा ज्यादा रहा है, या फिर सिचुएशन है कि 120 रुपए आ रहे हैं, रिसीट्स हमारी 120 की है लेकिन एक्सपेंडिचर हमारा सिर्फ 100 का है, मतलब रिसीट्स ज्यादा की है खर्चा कम का है, इस तरह के बजट को बोला जाता है अनबैलेंस्ड बजट। इतनी बातें तो समझ में आ गई कि बजट हमारा बैलेंस्ड कब होगा, जितनी रिसीट्स हैं उतना ही एक्सपेंडिचर हो, कैसा बजट है, बैलेंस्ड बजट है। जब ये दोनों चीजें इक्वल ना हो, इस तरह के बजट को बोला जाता है अनबैलेंस्ड बजट। क्लियर है? अब देखो, अनबैलेंस्ड बजट की फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी। एक होता है सरप्लस बजट, कैसा बजट, सरप्लस बजट, वैसे तो नाम से ही समझ में आ जाएगा सरप्लस का मतलब क्या होता है। और एक होता है हमारे पास में डेफिसिट बजट। देखो, सरप्लस बजट का मतलब क्या है, सरप्लस बजट मतलब ऐसी सिचुएशन जब गवर्नमेंट की बजट रिसीट्स तो ज्यादा है बट बजट एक्सपेंडिचर कम है, इस तरह के बजट को बोला जाता है सरप्लस बजट। मैंने कहा रिसीट्स है 150 की, सरकार के पास में पैसा आ 150 रहा है बट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सिर्फ कितना है, 100 ही है, पैसा आ ज्यादा रहा है बट सरकार खर्च कम कर रही है, इस सिचुएशन को बोला जाता है बजट कैसा है, सरप्लस बजट है। समझ में आया, बजट रिसीट्स ज्यादा है, बजट एक्सपेंडिचर कम है। वही एक होता है डेफिसिट बजट, इसका मतलब है मैंने कहा सरकार के पास में आ तो 100 रुपीस रहे हैं बट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है 130, आ 100 रहे हैं बट गवर्नमेंट खर्च कितना करेगी, 130 खर्च करेगी, ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा क्योंकि खर्चा ज्यादा है, इस तरह के बजट को बोला जाता है डेफिसिट बजट। मतलब बजट रिसीट्स कम है, बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इस तरह के बजट को क्या बोला जाता है, डेफिसिट बजट। तो यही हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि डेफिसिट बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट भी बोल सकते हो, बजट डेफिसिट भी बोल सकते हो। तो बजट डेफिसिट मतलब ऐसी सिचुएशन जब गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है बट बजट रिसीट्स कम है, इस तरह के बजट को बोला जाता है डेफिसिट बजट या फिर बजट डेफिसिट। समझ में आया, मैंने कहा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है 150 का, सरकार खर्चा कर रही है 150 का, वही सरकार के पास में टैक्सेस से या भी अलग अलग सोर्सेस से पैसा आ रहा है सिर्फ 100, तो हम लोग यहां पर बजट डेफिसिट कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स माइनस कर दो, तो ये जो 50
आ रहा है ये क्या है, बजट डेफिसिट है। समझ में आया? बजट डेफिसिट वो सिचुएशन है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा हैं, लेकिन गवर्नमेंट की रिसीट्स कम है, गवर्नमेंट के पास में पैसा आ कम रहा है। तो टोटल खर्चों में से जब हम टोटल रिसीट्स को माइनस कर देते हैं तब हमें मिलता है बजट डेफिसिट, यानी कि डेफिसिट बजट। समझ में आ गई बात? अब देखो, ये जो बजट डेफिसिट होता है ये हमारे पास में अगेन तीन तरह का होता है, तो साथ साथ में लिखना, थ्री टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट, कि ये जो बजट डेफिसिट होता है ये हमारे पास में तीन तरह का होता है। नंबर वन हमारे पास में आता है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। सेकेंड नंबर पर हमारे पास में आता है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। और थर्ड नंबर पर हमारे पास में आता है प्राइमरी डेफिसिट। क्या समझे? जब भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, गवर्नमेंट की रिसीट्स कम होती हैं, ये खर्चा ज्यादा का है, खर्चा 150 का है, बट गवर्नमेंट की रिसीट सिर्फ कितने की है, 100 की है, इस सिचुएशन को बोला जाता है बजट डेफिसिट। कैसे निकालते हैं? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में से, टोटल एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रही हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, उसमें से गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स को माइनस कर दो, रेवेन्यू रिसीट्स को भी, कैपिटल रिसीट्स को भी, इसे बोला जाता है बजट डेफिसिट। अब ये जो बजट डेफिसिट है ये हमारे पास में कितने तरह का होता है? एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, और थर्ड हमारे पास में आता है प्राइमरी डेफिसिट। इन तीनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले ये समझो। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग कैसे निकालते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम में क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू लिखा है। एक बार मैं इसे इरेज कर देती हूं, नाम में ही हमारे पास में क्या लिखा है, रेवेन्यू लिखा है। तो जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा होता है, इस सिचुएशन को बोला जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। मैंने कहा रेवेन्यू रिसीट्स हैं 40 की, लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है 50 का, इस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। समझ में आया? तो रेवेन्यू डेफिसिट वो सिचुएशन है जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट्स कम है। तो रेवेन्यू डेफिसिट हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बन गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चे में से माइनस कर दो रेवेन्यू रिसीट। समझ में आया? अभी पीछे और डिटेल में देखेंगे, एक बार ऐसे ही समझा रही हूं। जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने का है, 50 का है, उसमें से रेवेन्यू रिसीट्स 40 को माइनस कर दिया, ये 10 हमारे पास में क्या आया, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। समझ में आ गई पहली बात? सेकेंड हमारे पास में होता है फिस्कल डेफिसिट। अब देखो, फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालते हैं, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से, जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से, ये जितना भी एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देते हैं टोटल रिसीट्स को, टोटल रिसीट्स को, अभी इसके साथ में एक ट्विस्ट भी है, जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर देते हैं, बट रिसीट्स में एक चीज याद रखना, ये जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं, याद करो कैपिटल रिसीट्स के अंदर हम बोरोइंग्स भी लेते हैं, लेते हैं या नहीं लेते हैं, जब भी सरकार आरबीआई से पैसा बोरो करती है या फिर इंटरनेशनल मोनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से पैसा बोरो करती है, आम जनता से पैसा बोरो करती है, वो क्या होती है, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स होती है, लायबिलिटी क्रिएट होती है, वो किसके अंदर आता है, कैपिटल रिसीट्स के अंदर आता है। तो जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर दें, रेवेन्यू रिसीट्स भी और कैपिटल रिसीट्स भी, बस एक चीज का ध्यान रखना, कैपिटल रिसीट्स के अंदर जो बोरोइंग्स होती हैं उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है। ब्रैकेट में मैं लिख रही हूं अदर देन बोरोइंग्स, अदर देन बोरोइंग्स। तो जो हमारे पास में अमाउंट आता है उसे बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। क्या समझे? जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों, उसमें से टोटल रिसीट्स को माइनस कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, बस कैपिटल रिसीट्स के अंदर जो बोरोइंग्स है उसे हमें नहीं लेना है, अदर देन बोरोइंग्स। तो जो हमारे पास में अमाउंट आता है उसे बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो क्या फॉर्मूला बना हमारे पास में, टोटल एक्सपेंडिचर में से हमें माइनस करना है टोटल
रिसीट्स, बट रिसीट्स में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, रिसीट्स के अंदर कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स आता है, उसे हमें नहीं लेना है, तो ब्रैकेट में लिख दो अदर देन बोरोइंग। समझ में आया? हमारे पास में आ जाएगा हमारा फिस्कल डेफिसिट। समझ में आया? और डिटेल में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और थर्ड होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट और आसान है। फिस्कल डेफिसिट आया ना हमारे पास में, फिस्कल डेफिसिट हम लोगों ने कैसे निकाला, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस करना, अदर देन बोरोइंग्स। तो जो हमारे पास में फिस्कल डेफिसिट आया है, जो हमारा आंसर आया है, उसमें से हमें सिर्फ एक चीज माइनस करनी है, इंटरेस्ट माइनस करना है। ये कौन सा इंटरेस्ट है? गवर्नमेंट जब पैसा बोरो करती है, जब लोन लेती है, तो उस लोन पर भी तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है ना, उस इंटरेस्ट को हमें माइनस कर देना है। हमें क्या मिल जाएगा? हमारा प्राइमरी डेफिसिट। समझ में आ गया? तो तीन तरह के बजट डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट आसान सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दो, रेवेन्यू वाला डेफिसिट आ गया। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालोगे? टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर दो। बस ध्यान रखना हमें टोटल रिसीट्स में बोरोइंग्स को नहीं लेना। और प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालोगे? जो फिस्कल डेफिसिट आया है, जो हमारा आंसर आया है, उसके अंदर से बस इंटरेस्ट माइनस कर दो, हमें मिल जाएगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर हो गया? अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अभी अभी समझाया था रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, वो सिचुएशन जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट्स कम है, इस सिचुएशन को बोला जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। मैंने कहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50 का है, बट गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट सिर्फ कितने की है? 40 की है। तो ये जो टैन हमारे पास में आया है, ये क्या है? हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। कैसे निकाला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस करके, जो बड़ा है उसे पहले लिखना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दो, हमारे पास में आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर हो गया? अब इसका क्या इंप्लीकेशन है? इंप्लीकेशन मतलब इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या असर देखने को मिलता है, इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ड्यू टू रेवेन्यू डेफिसिट, गवर्नमेंट में हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, इट लीड्स टू सोशल वेलफेयर। अब जरा याद करने की कोशिश करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किस तरह के खर्चे आते हैं। मैंने कल बताया था, सरकार जो है हमारे फार्मर्स को सब्सिडी देती है, गरीबों को सब्सिडी देती है, किसमें आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। हमारी सरकार लॉ ऑर्डर और डिफेंस पे जो पैसा खर्च कर रही है, ये सारा खर्चा किसमें आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा होंगे, गवर्नमेंट के पास में पैसा आ कम रहा है, रिसीट्स कम है, इस वजह से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अपने खर्चों को कट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? गवर्नमेंट को अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर कम होगा, सरकार गरीबों को सब्सिडी कम देगी, सरकार लॉ ऑर्डर और डिफेंस पे पैसा कम खर्च करेगी, तो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर पर जो खर्चा करा जा रहा था, वो खर्चा अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? और क्या इंपैक्ट पड़ेगा? गवर्नमेंट हैज टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग्स व्हिच लोअर्स क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी चीज क्या देखने मिलेगी? देखो, हमारे पास में पैसा आ सिर्फ 40 रहा है, मतलब गवर्नमेंट के पास में आ कितना पैसा रहा है? 40। गवर्नमेंट का खर्चा 50 का है, तो ये बचे हुए 10 रुपए सरकार कहां से लेकर आएगी? ये बचे हुए 10 रुपए सरकार लेकर आएगी पैसा बोरो करके। अब बोरो आरबीआई से भी कर सकती है, दूसरी कंट्रीज से भी कर सकती है, आईएमएफ वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह, आम जनता से, जनरल पब्लिक से भी बोरो कर सकती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बोरोइंग्स क्या होंगी? इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस कम होती जाएगी। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब एक इमेज होती है ना, कोई इंसान बार बार उधार मांगता रहेगा, बार बार उधार मांगता रहेगा, मन में उसकी इमेज कैसी हो जाएगी? यार इसको नहीं देना, ये तो हमेशा मांगता ही रहता है, चुकाता भी नहीं है अपने पैसे, तो वही इमेज खराब हो जाती है ना। तो वही है इंटरनेशनल मनी मार्केट में हमारी गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस, ये जो इमेज है, ये खराब हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान की सिचुएशन है कि कोई भी उसे इजीली लोन देना नहीं चाहता, क्योंकि वो लोन पर ही जिंदा है। तो वही है, हमारी सरकार की क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाएगी। द गवर्नमेंट हैज टू कंपल्सरीली डू इन्वेस्टमेंट। हम लोगों ने कल भी पढ़ा था डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर को सेल करती है, इसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट के पास में पैसों की कमी है, खर्चा ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर को सेल करना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट के एसेट्स क्या होंगे? कम होंगे। समटाइम्स गवर्नमेंट सेल्स इट्स एंटरप्राइजेस टू फॉरेन कंपनीज, इट लीड टू इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ फॉरेनर्स
इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट को अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, खुद के एंटरप्राइजेस फॉरेन कंपनीज को सेल करने पड़ते हैं, एमएनसीज को सेल करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को अपने शेयर्स एमएनसीज को सेल करने पड़ते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर किसका कंट्रोल आ जाएगा? फॉरेनर्स का कंट्रोल आ जाएगा। वैसे भी 200 साल तक हम पर राज करके गए हैं, अगेन हम पर राज करेंगे, तो ये क्या है? इम्प्लीकेशन है, असर है रेवेन्यू डेफिसिट का। समझ में आ गया? अब देखो, सरकार इस रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे मैनेज कर सकती है, किस तरह से कर सकती है? सरकार के खर्चे 50 हैं, सरकार के पास में पैसा आ 40 रहा है, तो ये 10 रुपए सरकार कहां से लेकर आएगी एक्स्ट्रा? ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आरबीआई से पैसा बोरो कर सकती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा बोरो कर सकती है, जैसे आप, मैंने आपको बताया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा बोरो कर ले, या फिर वर्ल्ड बैंक से पैसा बोरो कर ले, दूसरे देशों की गवर्नमेंट से पैसा बोरो कर ले, या फिर खुद की ही कंट्री की पब्लिक, आम जनता, जनरल पब्लिक से पैसा बोरो कर ले। तो इस तरह से गवर्नमेंट ये पैसा अरेंज कर सकती है। सेकेंड, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ सकता है? डिस इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट क्या करेगी? खुद के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को किसे सेल कर देगी? प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देगी, पैसा आ जाएगा। या फिर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने खर्चे ही कम कर दे। ये सिचुएशन देखने ही क्यों मिल रही है? क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने खर्चे कम कर दे, फार्मर्स को सब्सिडी ना दे, गरीबों को सब्सिडी ना दे, इस तरह के खर्चे कम कर दे। इस तरह से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू डेफिसिट मैनेज कर सकती है। समझ में आया? तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। देखो, इसके अंदर आप लोगों को एक तो फॉर्मूलाज याद रखने हैं। क्या है फॉर्मूला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इम्प्लीकेशंस, कि इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तीनों डेफिसिट के इंप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए। क्लियर हो गया? सेकेंड हमारे पास में आता है फिस्कल डेफिसिट। याद करो, मैंने फिस्कल डेफिसिट के लिए क्या बताया था? जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर दे। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब मैं यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी बात कर रही हूं और कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी बात कर रही हूं, दोनों तरह के खर्चों की बात कर रही हूं। जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से किसे माइनस कर दे? टोटल रिसीट्स को माइनस कर दे। टोटल रिसीट्स में मैं रेवेन्यू रिसीट्स की भी बात कर रही हूं और मैं कैपिटल रिसीट्स की भी बात कर रही हूं। बस याद रखना, कैपिटल रिसीट्स के अंदर बोरोइंग्स वाला पैसा भी आता है। कल मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझाया था ना, याद करो। ये रहा कैपिटल रिसीट्स के हमारे पास में तीन तरीके थे, एक था रिकवरी ऑफ लोन्स, एक था बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, और एक था अदर रिसीट्स। इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट आता है। तो हम कैपिटल रिसीट्स के अंदर सिर्फ बोरोइंग्स को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम बोरोइंग्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर कैसे लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों। टोटल रिसीट्स में भी हम रेवेन्यू रिसीट्स भी लेंगे, कैपिटल रिसीट्स भी लेंगे। बस याद रखना, कैपिटल रिसीट्स में हम बोरोइंग्स नहीं लेंगे। तो यहां पर लिख दिया मैंने अदर देन बोरोइंग्स, हमें क्या मिल जाएगा? हमारा फिस्कल डेफिसिट। समझ में आया? फॉर्मूला क्या है फिस्कल डेफिसिट का? टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर दो, अदर देन बोरोइंग्स, हमें सिर्फ बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना। तो ये क्या है? इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज्यादा होता है, अदर देन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसे बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। अब देखो, यहां पर मैं एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं। जो फिस्कल डेफिसिट होता है, उसी को हम सरकार की टोटल बोरोइंग्स भी बोलते हैं। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपके पास में बोरोइंग्स गिवन हो ना, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स को ही हम फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं। मैं यहां पर लिख सकती हूं, फिस्कल डेफिसिट का ही दूसरा नाम है बोरोइंग्स। क्या नाम है? बोरोइंग्स। इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकती हूं। मैंने कहा गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है मान लो 150। गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 150 है। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया। वही मैं कहती हूं गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स दो तरह से बनती है हमारी। एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स, है ना,
और एक होती है कैपिटल रिसीट्स। मैंने कहा रेवेन्यू रिसीट्स है मान लो गवर्नमेंट की 70, ठीक है 70, वही कैपिटल रिसीट्स जो है वो गवर्नमेंट की है मान लो 30 है, 30 है, मैं ऐसे 20 प्लस 10 लिख रही हूं, बताती हूं कैसे। देखो जो गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स होती है वो किस किस सोर्सेस से होती है, पीछे हम लोगों ने देखा था रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसीट्स यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, ठीक है तीन सोर्सेस से होती है। तो मैंने कहा गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स में से रेवेन्यू रिसीट्स तो हैं 70, वही जब हम कैपिटल रिसीट्स की बात कर रहे हैं उसमें से ये जो 20 है ये कौन सा पैसा है, ये है रिकवरी ऑफ लोन्स फर्स्ट वाला, और थर्ड वाला जो हम लोगों ने देखा था ना डिसइन्वेस्टमेंट अदर रिसीट्स वो वाला, और ये जो 10 है ये शो कर रहा है हमें बोरोइंग्स, क्या शो कर रहा है बोरोइंग शो कर रहा है, समझ में आ गया ना। टोटल एक्सपेंडिचर चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ये मैंने इकट्ठा बोल दिया कितना है 150 है। टोटल रिसीट्स भी दो तरह की होती है रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स है 70, कैपिटल रिसीट्स है हमारे पास में 20 प्लस 10, मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है, ये 20 क्या शो कर रहा है एक तो डिसइन्वेस्टमेंट और एक हो गया हमारा रिकवरी ऑफ लोन्स, और ये जो 10 है ये शो कर रहा है बोरोइंग्स। तो हमारे पास में टोटल रिसीट्स कितने की हो गई 70 प्लस 20 प्लस 10 कितने की हो गई 100 की हो गई। हम फिस्कल डेफिसिट निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना क्या निकाल रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट। क्या फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट का कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 150 है, उसमें से माइनस कर दो टोटल रिसीट्स, बट टोटल रिसीट्स में हमें बोरोइंग्स नहीं लेनी, तो टोटल रिसीट्स में एक तो ये 70 आएगा या नहीं आएगा, और एक ये 20 आएगा, बोरोइंग्स को हम नहीं लेंगे, मतलब कितना आएगा 70 प्लस 20 यानी कि 90 आएगा। तो हमारे पास में फिस्कल डेफिसिट कितना आया 60 का आया, समझ में आया फिस्कल डेफिसिट कितने का आया 60 का आया। अब बहुत गौर करना मेरी बात पर, ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है इसी को हम गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग्स भी बोलते हैं, सोच के देखना कैसे। सरकार का खर्चा 150 है बट सरकार के पास में पैसा आज सिर्फ 100 रहा है, तो देखा जाए तो ये जो 50 रुपए हैं, सरकार का खर्चा 150 है सरकार के पास में आ 100 ही रहा है, तो देखा जाए तो ये जो 50 एक्स्ट्रा है ये पैसा सरकार कहां से ला रही होगी खर्चा करने के लिए, ये पैसा सरकार ला रही होगी बोरो करके, बेसिकली बोरो करके ही लेकर आती है, समझ में आया। तो एक तो ये बोरोइंग्स हो गई, साथ साथ में ये बोरोइंग्स हमें अलग से और दिख रही है 10, तो 50 प्लस करोगे तो भी हमारे पास में कितना आएगा 60 ही आएगा ना, तो ऐसे भी हमारी बोरोइंग 60 है और ऐसे भी हमारा फिस्कल डेफिसिट 60 आ रहा है, इसीलिए हम फिस्कल डेफिसिट को टोटल बोरोइंग्स भी बोलते हैं। मैंने इतना स्ट्रेस इसलिए दिया है क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट लिखा हुआ नहीं होगा, फिस्कल डेफिसिट की जगह लिखा हुआ होगा टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, समझ में आ गई मेरी बातें, क्या समझाया। टोटल एक्सपेंडिचर में से मैंने टोटल रिसीट्स को माइनस करा, टोटल रिसीट्स में मैंने रेवेन्यू रिसीट 70 ली और ये 20 लिया 90 लिया, मैंने बोरोइंग्स नहीं ली थी, कितना आया 60 आया। अब सोच के देख लो, खर्चा 150 है, आप पैसा 100 रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा जो 50 रुपए हैं ये बोरो करे होंगे, साथ में ये 10 रुपए भी ले लो तो 50 प्लस 10 वैसे भी 60 हो रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट को ही हम बोरोइंग्स भी बोलते हैं, समझ में आ गया। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार की टोटल बोरोइंग्स, और फिस्कल डेफिसिट का ही दूसरा नाम है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, समझ में आ गया। सरकार पैसा बोरो कहां से करती है, या तो आरबीआई से करती है, या फिर पैसा बोरो करती है अब्रॉड से, या फिर खुद की होम कंट्री से करती है यानी कि जनरल पब्लिक से पैसा बोरो करती है, तो ये क्या हो गई सरकार की टोटल बोरोइंग्स हो गई, टोटल बोरोइंग्स को ही हम फिस्कल डेफिसिट यानी कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी बोल सकते हैं, समझ में आ गया ना अच्छे से। अब इसका क्या इंप्लीकेशन होगा हमारी इकोनॉमी पर, इसे अच्छे से समझना, इंप्लीकेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्या है, कंट्री के अंदर हमें क्या देखने मिलेगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मतलब हमें कंट्री के अंदर महंगाई देखने को मिलेगी। जब गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा बोरो करती है, कंट्री के अंदर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, मैं क्या कह रही हूं कंट्री में फिस्कल डेफिसिट है, इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि फिस्कल डेफिसिट का ही दूसरा नाम क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरोइंग्स भी बोलते हैं।
तो बोरोइंग्स कर रही है हमारी सरकार। सरकार बेसिकली पैसा किससे बोरो करती है? आरबीआई से पैसा बोरो करती है। जब गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा बोरो करेगी तो कंट्री में क्या आएगा? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल देखने को मिलेगा। कैसे? जब गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा बोरो करेगी तो गवर्नमेंट के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाएगा। आप गवर्नमेंट हो, आपने आरबीआई से पैसा बोरो करा तो आपके हाथ में पैसा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि सरकार के पास में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सरकार के पास में मनी सप्लाई ज्यादा है तो अब सरकार पैसा खर्च करने लगेगी। याद करो, एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ऐसे ही निकालते हैं। जब सरकार के पास में मनी सप्लाई ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो सरकार खर्चा करने लगेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर सबके डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? चीजों की प्राइजेस को इंक्रीज कर देंगे। जब कंट्री के अंदर सारे गुड्स की प्राइजेस इंक्रीज होती है तो इसे बोला जाता है कंट्री में क्या आ रहा है? इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई आ रही है, हमें देखने को मिलेगा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। किसी भी कंट्री के लिए ना इन्फ्लेशन अच्छा होता है ना डिफ्लेशन अच्छा होता है। समझ में आ गया? सेकंड, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? नेशनल डेट। हम कर्जे में ही डूबे रहेंगे। डेट का मतलब है हम लोन के जाल में ही डूबे रहेंगे, हम कर्जे में ही डूबे रहेंगे। हाई फिस्कल डेफिसिट हिंडर्स जीडीपी ग्रोथ बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम इज यूज टू पे पास्ट डेट। देखो, जब कंट्री के अंदर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता है, यानी कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में कंट्री का जीडीपी इंक्रीज नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार इन्वेस्टमेंट पर पैसा खर्च ही नहीं कर पा रही। सरकार के खर्चे ज्यादा है, रिसीट्स कम है, सरकार पैसा बोरो करके ज्यादा बैठी है, तो ऐसे में सरकार के पास में इनफ पैसा नहीं होता कि वो हमारी कंट्री के जीडीपी के लिए स्पेंड करे, कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट खोले, खुद के कोई एंटरप्राइजेस, स्कूल कॉलेजेस वगैरह कुछ भी खोले, क्योंकि सरकार का जो मेजर पार्ट है, हमारी नेशनल इनकम का जो मेजर पार्ट है, वो लोन चुकाने में ही चले जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी ग्रोथ भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। थर्ड है विशियस सर्किल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। बहुत ध्यान से समझना, जब कंट्री के अंदर फिस्कल डेफिसिट होता है, यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है, गवर्नमेंट की रिसीट्स कम है, गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है, तो इसकी वजह से कंट्री के अंदर लो जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। हमारी जीडीपी ग्रोथ कम हो जाती है, ऊपर भी हम लोगों ने देखा, और ये सर्कल चलता रहता है। अगर जीडीपी ग्रोथ हमारी कम रहेगी तो अगेन फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ में आया? जब कंट्री के अंदर फिस्कल डेफिसिट होता है तो उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ कैसी रहती है? लो रहती है। अगर जीडीपी ग्रोथ हमारी रहेगी तो उसकी वजह से क्या देखने मिलेगा? हाई फिस्कल डेफिसिट मिलेगा। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल चलता ही रहता है। बहुत ध्यान से समझना, जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स लो बिकॉज ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट। जब कंट्री में हाई फिस्कल डेफिसिट होता है तो उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ अपने आप कम हो जाती है। दो कारण है, गवर्नमेंट लैक्स फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सारा पैसा सरकार अपना कर्जा चुकाने में, लोन चुकाने में ही लगा देती है, गवर्नमेंट के पास में इतना पैसा नहीं बचता कि गवर्नमेंट उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके। पहला रीजन ये हो गया। ड्यू टू हाई फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस विच रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। हम लोगों ने क्या देखा? यहां पर गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, रिसीट्स कम है। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट सोचती है कि क्यों ना हम टैक्सेस इंक्रीज कर दे। सरकार की रिसीट्स का सबसे मेन सोर्स क्या है? टैक्सेस ही है। गवर्नमेंट सोचती है क्यों ना हम टैक्सेस इंक्रीज कर दे, अपने आप हमारी जो रिसीट्स कम है ये इंक्रीज होने लग जाएंगी। जब सरकार टैक्सेस इंक्रीज कर देती है तो लोग टैक्सेस में पैसा ज्यादा देते हैं, लोगों के हाथ में पैसा कम बचता है, डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि लोगों के हाथ में पैसा कम बचता है। लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, लोग डिमांड कम करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड गिरने लगेगी, एग्रीगेट डिमांड गिरने लगेगी तो कोई भी ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। एक ऐसी कंट्री जहां पर लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, ऐसी कंट्री में कोई प्रोडक्शन करना नहीं चाहता, इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा तो लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो अपने आप हमारे कंट्री का जीडीपी जो है वो डाउन जाएगा। वही उल्टा भी समझ लो, हाई फिस्कल डेफिसिट रिमेन्स बिकॉज ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ। अगर हमारी कंट्री का जीडीपी गिरता जाएगा तो उसकी वजह से हमें फिस्कल डेफिसिट देखने मिलेगा। अगर कंट्री का जीडीपी कम हो रहा है, प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट्स ही नहीं हो रहे,
प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन भी कम कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉफिट्स भी कम होंगे। अगर उन्हें प्रॉफिट्स कम होंगे तो वो सरकार को टैक्सेस भी कम देंगे। समझ पा रहे हो, जितना प्रॉफिट उतना ही वो सरकार को टैक्सेस देंगे। प्रॉफिट्स नहीं हो रहे तो प्रोड्यूसर सरकार को टैक्सेस भी कम देंगे। अगर सरकार के पास में टैक्सेस कम जाएंगे तो सरकार की इनकम का मेन सोर्स ही क्या है, टैक्सेस है। सरकार को अगर टैक्सेस ही कम मिलेंगे तो अगेन सरकार की रिसीट्स और कम होती जाएंगी। खर्चा ज्यादा है, रिसीट्स कम है, अगेन कंट्री में क्या देखने मिलेगा, फिस्कल डेफिसिट देखने मिलेगा। समझ में आया। फोर्थ है क्राउडिंग आउट। देखो क्राउडिंग आउट का मतलब है, दिस इज अ सिचुएशन व्हेन हाई बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। ये ऐसी सिचुएशन है जब गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट की रिसीट से ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से पैसा बोरो करती है। जब हमारा मनी मार्केट, हमारे बैंक्स वगैरह सब गवर्नमेंट को पैसा दे देंगे, सब गवर्नमेंट को लोन दे देंगे, तो मनी मार्केट में पैसा कम रहेगा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए तो पैसा बच ही नहीं पाएगा ना। समझ पा रहे हो, जब सारा पैसा बोरो ही हमारी सरकार ने कर लिया तो बेचारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए जो खुद का कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, उन्हें लोन देने के लिए तो हमारे मनी मार्केट में पैसा ही नहीं बचेगा। कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी, बेचारे प्राइवेट सेक्टर वाले इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इकोनॉमी की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम होगी। लास्ट है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की जो इमेज है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मनी मार्केट में भी, वो इमेज डाउन हो जाएगी कि यार इस कंट्री की सरकार तो हर बार पैसा बोरो ही करती रहती है, उधार ही मांगती रहती है, तो हमारी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। जब बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होता है, खर्चे ज्यादा है, रिसीट्स कम है, नेशनल डेट हमारा बढ़ते जा रहा है, हमारी कंट्री के ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहा है, हम बहुत ज्यादा पैसा बोरो कर रहे हैं आरबीआई से भी, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से भी, कहीं ना कहीं हमारी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। दूसरी कंट्री सोचते हैं यार ये कंट्री तो उधार ही मांगती रहती है। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमारी इमेज खराब होती है तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारी इमेज खराब होती है। हमारी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है, कोई भी अब हमें इजीली लोन नहीं देगा अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, जो बाहर के लोग हैं, जिन लोगों ने हमारी कंट्री में पैसा लगा रखा है, कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट कम होने लगता है कि यार इनका खर्चा ज्यादा है, रिसीट्स कम है, वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने पैसा लगा रखा है हमारी कंट्री में उसे विड्रॉ करने लग जाते हैं। इसकी वजह से भी हमारी कंट्री का जीडीपी डिक्रीज होता है। ऐसी कंट्री में कोई अपना बिजनेस सेटअप नहीं करना चाहेगा, हमारी कंट्री में कोई एमएनसी नहीं आएगी, अपने आप हमारी कंट्री का जीडीपी डिक्रीज होगा। तो समझ पा रहे हो क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले क्या है, कंट्री में इन्फ्लेशन आता है, हमारी कंट्री नेशनल डेट के अंदर ही फंसी रह जाती है, कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी ग्रोथ रुकने लग जाती है, एक विशियस सर्कल चलता जाता है। अगर हाई फिस्कल डेफिसिट होगा तो लो जीडीपी ग्रोथ होगी, लो जीडीपी ग्रोथ होगी तो कंट्री के अंदर हमें हाई फिस्कल डेफिसिट देखने मिलेगा। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये ब्लू वाले बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा। फोर्थ है क्राउडिंग आउट। अगर गवर्नमेंट को ही लोग लोन दे देंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लोन देने के लिए पैसा नहीं बचेगा, कंट्री के अंदर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट गिरेगी, और कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की इमेज, क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट रेटिंग जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में गिरने लगेगी। समझ में आ गया। दो हम लोगों ने पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा फिस्कल डेफिसिट, थर्ड हमारे पास में आता है प्राइमरी डेफिसिट। एकदम आसान सा था, जो फिस्कल डेफिसिट हमारे पास में आया उसमें से सिर्फ हमें इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करना है, और ये इंटरेस्ट भी कौन सा है, हमारी गवर्नमेंट ने जो लोन दे रखा है उस लोन के अमाउंट पर जो हमारी गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है। लोन ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाता है, लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है ना, ब्याज देना पड़ता है, उसे माइनस कर दो हमें जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो ये क्या है, डिफरेंस है फिस्कल डेफिसिट में से हमें माइनस करना है इंटरेस्ट पेमेंट। समझ में आया। इसके कोई इंप्लिकेशंस नहीं है। अगर प्राइमरी डेफिसिट के आपको क्वेश्चन में इंप्लिकेशंस लिखने को आएंगे तो प्राइमरी डेफिसिट के इंप्लिकेशंस में भी हमें फिस्कल डेफिसिट के इंप्लिकेशंस ही लिखने हैं, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फिस्कल डेफिसिट हमें क्या शो कर रहा था, हमारी गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग्स जिसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड था, वही प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या शो कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग्स जिसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं है, हम लोगों ने इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया। तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो अगर इसके इंप्लीकेशन लिखने को आएंगे तो भी आपको फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशन ही लिखने हैं। आई होप
होप अच्छे से समझ में आ गया। एक बार पीछे चलते हैं, रिवाइज करवा देती हूँ। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दो। फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर देना। बस याद रखना टोटल रिसीट्स में हमें बोरोइंग्स को नहीं लेना है। वही प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालेंगे, फिस्कल डेफिसिट का जो आंसर आया उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देना। सबके इंप्लीकेशंस याद रखने, इंप्लीकेशंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब एक बार मैं गायब हो जाती हूँ और फुल स्क्रीन पर हम लोग तीनों के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। मीनिंग तो समझ में आ ही गया, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा होता है वो क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। जब टोटल एक्सपेंडिचर में से हम टोटल रिसीट्स को माइनस कर दे लेकिन बोरोइंग्स को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालोगे, फिस्कल डेफिसिट जो आया है उसके अंदर से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। इजी पीजी। इंडिकेशन की बात करें कि ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि ये क्या शो कर रहे हैं, तो जब सरकार का खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट्स कम है, ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को पैसा बोरो करने की जरूरत है, चाहे वो आरबीआई से पैसा बोरो करे, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करे, चाहे जनरल पब्लिक से करे, ये शो कर रहा है हमें पैसा बोरो करने की जरूरत है। खर्चा 50 है वही पैसा आ 40 रहा है, तो ये बचे हुए जो 10 रुपीज है इसका जुगाड़ कहां से होगा, इसका जुगाड़ होगा बोरोइंग से। इट शोज बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। मैंने पहले भी बताया था फिस्कल डेफिसिट को ही हम क्या बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग्स जिसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट, जो लोन्स पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो इंक्लूड है। वही प्राइमरी डेफिसिट भी यही शो करता है, हमारी गवर्नमेंट की बोरोइंग्स ही शो करता है, बस इसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूडेड नहीं है। इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस था ना, जो फिस्कल डेफिसिट आया उसमें से हम लोगों ने इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दी, तो ये भी सेम चीज शो कर रहा है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, बस इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। कॉज एंड इम्पैक्ट की बात करें कि इसका क्या कारण है और इसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो सोच के देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्यों आता होगा, कब हो रहा है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट्स कम है। ये कब देखने को मिलता होगा, जब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं टैक्स से पैसा कम मिल रहा है। रेवेन्यू रिसीट्स का सबसे बड़ा सोर्स क्या था, याद करो, रेवेन्यू रिसीट्स के हमारे पास में दो सोर्सेस थे, एक तो आता था टैक्स रिसीट्स और दूसरा हमारे पास में था नॉन टैक्स रिसीट्स, यही था। तो इसका कारण क्या हो सकता है, हो सकता है गवर्नमेंट को टैक्सेस से पैसा कम मिल रहा हो, या फिर हो सकता है हमारी कंट्री के अंदर पॉवर्टी ज्यादा है, हमारी सरकार को सब्सिडी पे पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा बोरो करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं हमारा जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो खराब है, सरकार अपने फाइनेंसेस को मेंटेन नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में हमारी क्रेडिट रेटिंग, हमारी जो इमेज है वो डाउन हो जाएगी, ऐसी कंट्री को कोई भी इजीली लोन देना नहीं चाहता। ये भी सेम शो करता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करके नहीं रख पा रही है, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस दूसरी कंट्रीज के सामने कम हो रही है। समझ में आया, तो पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। कल हम लोग इन सबके क्वेश्चंस बनाएंगे। अब एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, ऑल्दो ये मैंने बता दिया बट फिर भी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी करने जरूरी हैं। दो तरह के बजट होते हैं, बैलेंस्ड बजट और अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट कौन सा बजट होता है, मैंने बताया था, जब गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स और गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होते हैं, जितना गवर्नमेंट के पास में पैसा आ रहा है उतना ही गवर्नमेंट पैसा खर्च भी कर रही है, कोई अनबैलेंस्ड सिचुएशन नहीं है, इस तरह के बजट को बोला जाता है बैलेंस्ड बजट। वो बजट जब गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल है, दैट इज बैलेंस्ड बजट। समझ में आया। मेरिट्स और डीमेरिट्स देखो, जब हमारा बजट बैलेंस्ड है इसका मतलब सरकार किसी भी तरह का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, फालतू का खर्चा नहीं कर रही, ये शो करता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आ रहे, गवर्नमेंट ने अपना फिस्कल डिसिप्लिन प्रॉपरली मेंटेन करके रखा है, फिस्कल डिसिप्लिन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, इट डज नॉट ऑफर एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, जब हमारा बजट बैलेंस्ड है इसका मतलब हमें बहुत खुश होने की बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री के अंदर कोई अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, बेरोजगारी हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर गवर्नमेंट का बजट बैलेंस्ड है फिर भी कंट्री में हमें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी तो देखने को मिलती ही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा सीधा कनेक्शन किसके साथ में है, एग्रीगेट डिमांड के साथ में है। अगर कंट्री में एग्रीगेट डिमांड कम होगी, लोग डिमांड कम करेंगे तो प्रोड्यूसर भाई साहब भी प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोड्यूसर भाई साहब अगर प्रोडक्शन कम करेंगे तो कहीं
कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर भाई साहब को कम लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, कम लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपनी एग्जिस्टिंग लेबर को भी फायर करेंगे, हटाएंगे, साथ साथ में नए लोगों को हायर नहीं करेंगे, रखेंगे नहीं नौकरी पर, तो बहुत सारे लोग जो काम करना चाहते हैं उन बेचारे लोगों को काम नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर बजट बैलेंस्ड है तो कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, फिर भी हमें कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट तो देखने को मिलता ही है। बैलेंस्ड बजट इज नॉट गुड फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज। देखो, जो बैलेंस्ड बजट होता है ये कम डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कम डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जरूरी है कि वहां पर सरकार की तरफ से एक बिग पुश मिले, हमारी सरकार पैसा इन्वेस्ट करे, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करे, ताकि इकोनॉमी को एक धक्का लगे, इकोनॉमी आगे बढ़ पाए। समझ पा रहे हो? एक लेस डेवलप्ड कंट्री चाहती है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करे, गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो, गवर्नमेंट की रिसीट्स कम हो, ताकि इकोनॉमी को एक पुश मिले, इकोनॉमी आगे बढ़ सके। तो ये बैलेंस्ड बजट लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है, डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्रीज के लिए इट इज गुड। समझ में आया? दूसरा हमारा होता है अनबैलेंस्ड बजट। बट उससे पहले एक क्वेश्चन बता देती हूँ, वो क्वेश्चन भी देख लो। डस बैलेंस्ड बजट लीव एग्रीगेट डिमांड अनअफेक्टेड इन द इकोनॉमी? बहुत ध्यान से समझना। अगर कंट्री में बैलेंस्ड बजट है, जितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, सरकार का खर्चा है, उतनी ही सरकार की रिसीट्स भी है। क्या इसका मतलब ये है कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो अनअफेक्टेड रहेगी, उसमें हमें इंक्रीज या डिक्रीज देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। अगर कंट्री के अंदर बैलेंस बजट होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड, हमारा जो एडी है वो अनअफेक्टेड रहेगा। हमारे एडी में हमें मूवमेंट देखने को मिलती ही है, इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझना। सपोज द ओनली सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज टैक्स। मान के चलो, सपोज सरकार के रेवेन्यू का सिर्फ एक ही सोर्स है, यानी कि सरकार की जो रिसीट्स होती है ना, जो सरकार के पास में पैसा आ रहा है, उसका मान लो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं ना, वही गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स है। तो अगर गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही सोर्सेस से इनकम हो रही है, एक ही सोर्सेस से पैसा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं, टैक्स से गवर्नमेंट की रिसीट्स हो रही हैं, मान लो हम लोग 100 रुपए का टैक्स दे रहे हैं, तो यही क्या है, गवर्नमेंट की रिसीट्स है। टोटल रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, सब मिला के सरकार की कितनी रिसीट्स है, सिर्फ 100 रिसीट्स है जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। और सरकार खर्चा भी इतने का ही कर देती है, सरकार की रिसीट्स कितने की है, 100 की है, जो हम लोगों ने टैक्स दिया वो गवर्नमेंट की क्या है, रिसीट्स है। और गवर्नमेंट खर्चा भी कितने का कर देती है, 100 का खर्चा कर देती है। मतलब कैसी सिचुएशन है, कंट्री में बैलेंस्ड बजट है। अब सोच के देखना, इसकी वजह से क्या एग्रीगेट डिमांड सेम रहती है, अनअफेक्टेड रहती है, या उसमें हमें चेंज देखने को मिलता है। देखो, हम लोगों ने 100 रुपए टैक्स के दे दिए, ये जो गवर्नमेंट की रिसीट्स हुई हैं, ये जो सरकार की रिसीट्स हुई हैं, ये कैसे हुई हैं, जब हम लोगों ने, आपने, मैंने, हम सब लोगों ने गवर्नमेंट को क्या दिया है, टैक्स दिया है। अब सोच के देखो, हम लोगों ने 100 रुपए टैक्स के दे दिए, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो खर्च करने वाली इनकम होती है, जो बची हुई इनकम होती है, वो डिस्पोजेबल इनकम 100 रुपए से कम हो गई ना। अगर आपने 100 रुपए का टैक्स दे दिया तो कहीं ना कहीं 100 रुपए से आपकी इनकम कम हो गई। अब मान के चलो एमपीसी जो था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो 0.5 था, कि आप अपनी इनकम का 0.5 टाइम्स जो पैसा है वो खर्च कर देते हो, बचा हुआ क्या करोगे, सेव करोगे। आपकी इनकम कहीं ना कहीं 100 रुपए से कम हो गई। अगर आपके पास में ये 100 रुपए होते तो इस 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, एमपीसी से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा हमारे पास में, 50 आएगा। मतलब इस 100 का 0.5 टाइम्स, यानी कि 100 में से 50 रुपए आप क्या करते, खर्च करते। खर्च मतलब इस पैसे को आप कंजम्पशन के लिए यूज में लेते। समझ में आ गया एमपीसी का मतलब होता है? अगर ये आपकी इनकम है तो आप अपनी इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन के लिए यूज में ले रहे हो, खर्च कर रहे हो। तो 100 × 0.5 मतलब 50 रुपए आप क्या करते, कंजम्पशन के लिए यूज में लेते, बाकी 50 को आप सेव कर लेते। समझ में आया? बट क्योंकि आपकी इनकम 100 रुपए से कम हो गई, आपकी डिस्पोजेबल इनकम 100 रुपए से कम हो गई, मतलब कहीं ना कहीं ये 50 का आप जो खर्चा करते, अगर आप टैक्स ना देते, आप ये खर्चा नहीं कर पा रहे, आपका खर्चा कम हो गया। कहीं ना कहीं कंजम्पशन, कंजम्पशन को हम सी से डिनोट करते हैं, ये सी क्या हो गया, कम हो गया। हम एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई प्लस
जी प्लस एक्स माइनस एम, कहीं ना कहीं ये जो सी है, ये जो कंजम्पशन है, ये हमारा कितने से कम हो गया है, 50 से कम हो गया है, मतलब माइनस के अंदर चले गया, माइनस 50 में बोल सकती हूँ। आई हमारे पास में है नहीं, इसकी हम बात नहीं कर रहे, एक्स माइनस एम हमारे पास में है नहीं, इसकी हम बात नहीं कर रहे, जी हमारे पास में है, गवर्नमेंट को हम लोगों ने 100 रुपए टैक्स के तौर पर दिए और गवर्नमेंट ने वो 100 रुपए एज इट इज खर्च कर दिए, ये क्या था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, गवर्नमेंट के पास में 100 रुपए आए, 100 के 100 गवर्नमेंट ने खर्च कर दिए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हुआ है, 100 से इंक्रीज हुआ, हमारा कंजम्पशन 50 से कम हो गया, ठीक है, माइनस 50 प्लस गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा 100 से इंक्रीज हो गया, तो हमारे पास में एडी कितना आएगा नेट, माइनस का 50 प्लस का 100, हमारे पास में एडी कितना आएगा, प्लस का 50 आएगा, तो मुझे बताओ एडी हमारा अनअफेक्टेड रहा क्या, नहीं, एडी में हमें चेंज देखने को मिला है, हमारा नेट इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड कितना है, 50 है, लोगों ने टैक्स दिया 100 रुपए का, which means their disposable income have decreased by 100, मतलब कहीं ना कहीं लोगों के disposable income खर्च करने वाली income 100 रुपए से कम हो गई। हम मान लेते हैं हमारा MPC कितना है, 0.5 है, इसका मतलब जो 100 रुपए टैक्स दिया हम लोगों ने, कहीं ना कहीं 100 का 0.5 कर लो 100 into 0.5, हम ये जो 50 रुपए हैं ये खर्च करते बट हम खर्च नहीं कर पाए, इससे हमारी जो डिमांड है, हमारा जो कंजम्पशन है वो 50 रुपए से कम हो गया। एग्रीगेट डिमांड हम कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, ये दो हमारे पास नहीं थे, इन्हें हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, हमारा कंजम्पशन 50 से कम हुआ, गवर्नमेंट का कंजम्पशन 100 से इंक्रीज हुआ, नेट इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड हमारे पास में कितना आया, 50 आया, इसका मतलब अगर बजट बैलेंस्ड है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड अनअफेक्टेड नहीं रहेगी, हमारी एग्रीगेट डिमांड में हमें चेंज देखने को मिलेगा। समझ में आ गया, हॉट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन था इसलिए मैंने करा दिया, इस तरह के क्वेश्चंस पता होने चाहिए आप लोगों को, समझ में आई। अब अगला आता है हमारे पास में अनबैलेंस्ड बजट, जब बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल ना हो, बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर इक्वल ना हो, ये हम लोगों ने देखा था ना, ये बजट रिसीट्स है, ये बजट एक्सपेंडिचर है, जब दोनों इक्वल नहीं होते, इस सिचुएशन को बोला जाता है हमारा बजट कैसा है, अनबैलेंस्ड है। दो तरह का होता है, अगर रिसीट्स ज्यादा है, पैसा आ ज्यादा रहा है, खर्च कम कर रहे हैं, दैट इज सरप्लस बजट, वही डेफिसिट बजट, मतलब पैसा आ कम रहा है, खर्च ज्यादा कर रहे हैं, आ 100 रहा है लेकिन खर्च 150 कर रहे हैं, दैट इज डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट कौन सा बजट है, जब गवर्नमेंट की रिसीट्स ज्यादा है, वही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है, गवर्नमेंट रिसीट्स ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, कैसा है बजट, सरप्लस बजट है। इसके भी मेरिट्स डीमेरिट्स देख ले, मेरिट्स क्या है, गवर्नमेंट प्लान सरप्लस बजट व्हेन द इकोनॉमी इज फाइटिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दिमाग में रखना, जब भी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होता है, चीजों की प्राइसेस जब इंक्रीज होती हैं, ऐसे में गवर्नमेंट अपना बजट कैसे रखती है, सरप्लस बजट रखती है। गवर्नमेंट अपना बजट कैसा रखती है, सरप्लस बजट रखती है, कि गवर्नमेंट की रिसीट्स तो ज्यादा है, सरकार के पास में पैसा आ तो ज्यादा रहा है, वहीं सरकार का एक्सपेंडिचर कम है। समझ में आया, क्यों, सोच के देखो, क्योंकि एडी कैसे निकलता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखा है, इसे सही करना है, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर क्या करेगी, कम करेगी। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम रख रही है ना, अपने आप एग्रीगेट डिमांड हमारा कम होने लगेगा। वही गवर्नमेंट की रिसीट्स गवर्नमेंट ज्यादा रखेगी, रिसीट्स का मेन सोर्स क्या होता है, लोगों के पास में मेन पैसा जाता है टैक्सेस से, अगर लोग टैक्सेस के लिए ज्यादा पैसा दे देंगे तो लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा, लोग खर्चा कम करेंगे, ये कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगा, तो सही है ना। जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होता है, जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप देखने को मिलता है, तो इसे करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कैसा बजट मेंटेन करके चलती है, सरप्लस बजट मेंटेन करके रखती है, याद रखना। इसकी वजह से अपने आप एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्लियर है। वही इसके डीमेरिट्स क्या हैं, सरप्लस बजट मींस डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट का मतलब क्या है, कि गवर्नमेंट की रिसीट्स ज्यादा है, खर्चा कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खर्चा क्या कर रही है, कम कर रही है। अगर गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी, अगर गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी तो कहीं ना कहीं एडी डिक्रीज होने लगेगा। तो जब कंट्री के अंदर डिप्रेशन होता है, जब कंट्री के अंदर डिफ्लेशन वाली प्रॉब्लम होती है ना, कि कंट्री के अंदर प्राइसेस गिरती जा रही है क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे, इस सिचुएशन के लिए सरप्लस बजट अच्छा नहीं है। सरप्लस बजट कौन सी सिचुएशन के लिए अच्छा है, जब कंट्री में इन्फ्लेशन है, जब कंट्री में डिप्रेशन है, डिफ्लेशन है, चीजों की प्राइसेस गिर रही हैं। चीजों की प्राइसेस क्यों गिर रही हैं, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे, एग्रीगेट डिमांड कम है, ऐसे में सरप्लस
बजट अच्छा नहीं है, सरकार अगर खर्चा और कम करेगी तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड और कम होगी, प्रोड्यूसर्स को प्राइसेस और गिरानी पड़ेगी, कंट्री में और डिप्रेशन देखने को मिलेगा, इस सिचुएशन में ये अच्छा नहीं है। इफ गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली परस्यूज द पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट, एडी में रिड्यूस टू द लेवल दैट कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली सरप्लस बजट रखेगी कि गवर्नमेंट की रिसीट्स ज्यादा हैं और गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो बहुत कम है, ऐसी सिचुएशन में हमारा एडी गिरता जाएगा। अगर एडी गिरता जाएगा तो प्रोड्यूसर देखेगा यार मैं प्रोडक्शन क्यों करूं जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी कम करेगा, कम प्रोडक्शन करेगा, कम लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो अपने आप कंट्री के अंदर क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, बेरोजगारी आएगी। समझ में आया? तो मेन बात याद रखना, सरप्लस बजट कौन सी सिचुएशन में अच्छा है, जब कंट्री में हमें देखने को मिलता है इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप। दूसरा हमारे पास में आता है डेफिसिट बजट, कौन सी सिचुएशन है, जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है वही गवर्नमेंट की रिसीट्स कम है, इस तरह के बजट को बोलते हैं डेफिसिट बजट। इसके फायदे क्या हैं? कीन्स रिकमेंडेड दैट डेफिसिट बजट इज अ की इंस्ट्रूमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन। जब कंट्री के अंदर डिप्रेशन होता है यानी कि डिफ्लेशन होता है, उस सिचुएशन के लिए कैसा बजट अच्छा है? डेफिसिट बजट अच्छा है। सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, सरकार के पास में पैसा आ कम रहा है। सोचो सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, एडी हम कैसे निकाल रहे हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब यहां पर सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज होगा तो अपने आप एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड अगर हमारी इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर ने जो चीजों की प्राइसेस को डिक्रीज कर रखा था वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करने लगेगा, और कंट्री से डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कंट्री से डिप्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वहीं जब कंट्री के अंदर डिप्रेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कम है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट अपनी रिसीट्स को कम रखती है, यानी कि गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है। गवर्नमेंट बोलती है भाई हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हम हमारी रिसीट्स कम रख लेंगे, हमें टैक्सेस कम दो। अगर लोग टैक्सेस कम देंगे तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, लोग उस इनकम को खर्च करेंगे, लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो अपने आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लगेगी और कंट्री से डिप्रेशन यानी कि डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जब कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी ज्यादा करता है, ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो प्रोड्यूसर को ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसे में कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं सॉल्व होने लगती है। समझ में आ गया? सो डेफिसिट बजट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन टू वेज। तो डेफिसिट बजट की वजह से एग्रीगेट डिमांड कैसे इंक्रीज हो रही है? एक तो गवर्नमेंट खुद का खर्चा बढ़ा देती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एडी अपने आप इंक्रीज होगा, या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है, रिसीट्स कम है, गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है, तो लोगों के हाथ में ग्रेटर डिस्पोजेबल इनकम, ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचती है, लोग खर्चा ज्यादा करते हैं, लोग खर्चा ज्यादा करेंगे अपने आप एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। अगर लोग खर्चा ज्यादा करेंगे तो ऐसी इकोनॉमी लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, ऐसी इकोनॉमी जहां पर लोग खर्चा कर रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा है, ऐसी कंट्री के अंदर हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो अपने आप इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होंगे, अपने आप हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, डिप्रेशन डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वहीं इसका डीमेरिट क्या है? डेफिसिट बजट इज नॉट गुड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है ऐसे में डेफिसिट बजट अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन कब आता है? जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है, प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता तो प्रोड्यूसर चीजों की प्राइसेस को इंक्रीज कर देता है, कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाता है। अब डेफिसिट बजट अच्छा नहीं है जब कंट्री में इन्फ्लेशन है, क्योंकि सरकार का खर्चा यहां पर ज्यादा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो और ज्यादा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और इन्फ्लेशन आएगा। वही मैं कह रही हूं, यहां पर गवर्नमेंट की रिसीट्स कम है, गवर्नमेंट टैक्सेस से पैसा कम ले रही है, गवर्नमेंट अगर आम जनता से टैक्सेस कम लेगी तो आम जनता के हाथ में पैसा और ज्यादा बचेगा, आम जनता और खर्चा करेगी तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन सी भी इंक्रीज होगा, अगेन एग्रीगेट डिमांड और इंक्रीज होगी, अगेन कंट्री के अंदर बल्कि क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पर डेफिसिट बजट अच्छा नहीं है। समझ में आ गया? इसकी वजह से हमें कंट्री में क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल देखने मिलता है। समझ में आ गया अच्छे से? तो आज हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया। पार्ट वन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स और कॉन्सेप्ट देखा था, पार्ट टू के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा। आज हम लोगों ने देख लिया डेफिसिट बजट, उसके तीनों टाइप्स, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, साथ में बैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड बजट के अंदर भी दो कैटेगरी, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, दोनों के मेरिट्स, डीमेरिट्स, चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ।
अब कल या फिर मोस्ट प्रोबेबली आज एक छोटी सी वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम लोग इस चैप्टर के हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसी के साथ में ये चैप्टर हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर देना, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।